मतलब घर के पास में ही, घर के पास में गोली भी लगा हुआ है? कहाँ गोली लगा है? उंगली में यहाँ। कितने अपराधी थे सब? दो था। दो। मोबाइल छीनने क्रम में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान में फिर अपराधियों ने अपना तांडव दिखाया है। पूरी घटना सीवान जिले के महाराजगंज थाना इलाके में घटी हुई है, जहां पे महाराजगंज थाना इलाके के महुआरी गांव के समीप एक युवक सोचा अपने घर के बाहर फोन से बात कर रहा था, तभी दो के संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और मोबाइल को झपट्टा मारने लगते हैं, जिसके बाद से युवक जो है अपराधी से उलझ जाता है। इसके बाद अपराधी ने देर दरादन फायरिंग शुरू करते हैं। उसी फायरिंग के दौरान युवक के एक हाथ में गोली लगी हुई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग मदद से युवक को सबसे पहले महाराजगंज के मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे डॉक्टर ने प्रथम उपचार कर सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। पूरी घटना जो है सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव के मुनमुन सिंह के पुत्र रणवीर सिंह के साथ घटी हुई, जहां पे रणवीर अपने घर के बाहर फोन से बात कर रहे थे, तभी दो के संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और देर दरान फायरिंग शुरू करते हैं और मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं। यहां तक युवक का मोबाइल लेकर फरार भी हो जाते हैं और युवक पर देर दरान गोली चलाकर युवक गंभीर रूप से घायल करते हैं। युवक के हाथ में गोली लगी हुई है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से महाराजगंज मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रथम उपचार कर युवक को सीमान के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही महाराजगंज थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह खुद घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। लगातार इस तरह बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ने को देखने को मिला है। दिन दहाड़े अपराधी किसी को न किसी को टारगेट करके आसानी से गोली मारकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं और पुलिस उन अपराधियों के पास नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इस तरह सीवान जिले के महाराजगंज थाना इलाके में देर शाम अपराधियों ने देर दरादन गोली चलाकर एक युवक गंभीर रूप से घायल कर दिया है। देखना होगा इस मामले में महाराजगंज थाने की पुलिस जो है कब तक अपराधियों को पास पहुंच पाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। तो फिर से बता दें कि बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोबाइल लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस युवक गोली लगी उसकी पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव के मुनमुन सिंह के पुत्र रणवीर सिंह के रूप में हुई है। उनके हाथ में गोली लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दो के संगे में अपराधी से बाइक सवार थे। मोबाइल लूट के दौरान अपराधियों ने युवक गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही महाराजगंज थाने की पुलिस जो है घटना स्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार घटना के बाद महाराजगंज मंडलीय अस्पताल में स्थानीय लोग की भीड़ उमड़ी हुई है। घटना घटा हुआ है आपके साथ? गांव में बात कर रहा था फोन से, तब तक छीन के लेके गया। मतलब क्या छीना था, कहाँ पे? मोबाइल। मोबाइल गांव में ही छीना। मतलब घर के पास में ही? घर के पास में। गोली भी लगा हुआ है? कहाँ गोली लगा है? उंगली में यहाँ। कितने अपराधी थे सब? दो था। दो। मोबाइल लेके भागा हुआ है? मोबाइल लेके भागा। किधर भागा है अपराधी सब? दो बलिया कोठी की तरफ, इटहरी की तरफ। कब की घटना घटी हुई है? यही एक घंटा के करीब। एक घंटा। पुलिस वुलिस को सूचना दिया है आप लोग अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। दो के संख्या में अपराधी थे? हाँ, बाइक से थे। हाँ, बाइक से। क्या नाम हुआ आपका? रणवीर सिंह। पिताजी का नाम? मुनमुन सिंह। घर? महुआरी।